आई एम सुजीत चंद्र और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चंद्र टेक्नीशियंस। आज मैं आपको फोटेज को इमेज जितने भी होते हैं हम उसे एडिट कैसे करें इन कंप्यूटर रेडियोग्राफी, तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर की सहायता से इमेज जो हम लोग लेते हैं, एक्सेस जो लेते हैं उसको एडिट कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम लोग काम कर रहे हैं आप एनएक्स व्यूअर, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं एनएक्स व्यूअर को, पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्जन वो खुल रही है, थोड़ी समय लगती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको विजिबल फॉर्म में इमेज जो है वो दिखने लगे। अब इमेज कोई भी इमेज को एडिट करनी है तो यहाँ पे पहले से देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखे हुए क्लोज एग्जाम 41 70, तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहले से जितने भी पेशेंट का जो एक्सरे हो चुके हैं उनका नेम जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट सीरियल नंबर उनका है, लास्ट नेम, फिर उनका सेक्स, स्टडी डेट ऑफ टाइम एंड एग्जाम जो पार्ट का हुए उसके बारे में दिया हुआ है। तो कोई भी इमेज को एडिट कैसे करें, तो सबसे पहले कोई भी पे क्लिक कर लेते हैं। तो हम लोग कोई भी इमेज लिए होते हैं तो उस पे देख सकते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पेशेंट का ऊपर देख सकते हैं पेशेंट आइडेंटिफिकेशंस में आप देख सकते हैं कि उनका नाम जो भी है, पेशेंट आईडी कितनी है, एज कितनी है और इस तरह के जितने भी उनका डिटेल्स है वो भरे हुए हैं। और नीचे देख सकते हैं इमेज जो एक्सरे जो है वो इमेज देख सकते हैं, उसके जस्ट लेफ्ट में देख सकते हैं जो लिखा हुआ है एग्जाम ग्रुप, देख सकते हैं एग्जाम ग्रुप एज जो पार्ट का एग्जाम किया गया है उसका नाम, जैसे चेस्ट का है तो चेस्ट होगा और जहाँ भी जो भी होगा। उसके बाद एक्सपोजर टाइप और व्यूज पोजीशन, जो भी व्यूज होंगे इमेज की वो आपको लिखे मिलेंगे वहाँ पे। उसके बाद कैसेट ओबीडिएंट, जो उसका कैसेट का अपना ओबीडिएंट होगा। उसके बाद फिल्म साइजिंग, जो आप फिल्म को देंगे वो उसकी साइज कितनी होगी उसके अनुसार यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। ये किसी तरह से गलत होने पे आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एल लिखे हुए, आर लिखे हुए। एल का मतलब हुआ यहाँ पे आपका लेफ्ट, आर का मतलब हुआ राइट, और जो दिख रहा है डबल एरो वो आप इमेज की साइडिंग को चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे डाउन एरो देख सकते हैं वो इमेज के रोटेटिंग को यूज करते हैं, दोनों एरो रोटेटिंग के लिए यूज करते हैं। अगर इसमें और इमेज लेने होते हैं तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ऐड इमेज पे क्लिक करके फिर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका और जो भी पार्ट का लेना है उसी पेशेंट का, तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, और नीचे उसको वो फॉर्म को चेंज करके उसके बाद उसको आईडी कर देंगे। इससे आपकी इमेज जो सेकेंड इमेज लेंगे वो आपको इधर कॉर्नर पे विजिबल दिखाई देगी। जो भी इमेज बड़ी सी इमेज की जस्ट कॉर्नर पे उसकी एक छोटी इमेज होती है जो कॉर्नर पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं एडिट मेन्यू की तरफ। जब हम लोग इमेज का इमेज ले लेते हैं तो उसके बाद हम लोग एडिट करते हैं, तो हम लोग एडिट मेन्यू पे आएंगे। एडिट मेन्यू पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो बड़े फॉर्म में आ गया, डिस्प्ले पे कुछ बड़ी दिखने लगी। अब इमेज के जो है प्रोग्रामिंग है उसमें यहाँ पे आपको कॉर्नर पे हर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल सकते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टूल्स चलते हैं, बारी बारी टूल्स के बारे में जानते हैं। तो पहला एल लिखा हुआ है यानी कि लेफ्ट, आर मीन्स राइट,
सबका मीन्स है कि आप जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर में कि जो हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूटर द्वारा ही यूज कर लेते हैं, राइट हो या फिर लेफ्ट हो, जिस साइड की हो इमेज लेनी है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद नीचे देख सकते हैं फ्लिप का ऑप्शन दिए हैं, फ्लिप रोटेट यानी रोटेट जिस साइड का करना हो रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि जूम का ऑप्शन दिया है, जूम कर सकते हैं, जूम इन करना है, जूम आउट करना है उसके हिसाब से कर सकते हैं। हम आपको बारी बारी से करके दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग राइट यूज करना है तो इमेज पे यहाँ पे कॉर्नर पे राइट पर क्लिक कर देंगे तो राइट आ जाएगी, इसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट करना ही हो तो लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन वर्कफुल नहीं है, बाकी यहाँ पे रोटेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से जिस साइड में इमेज को करना है इस तरह से कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से रोटेट हुआ आपको साइड। उसके बाद जस्ट उसके रोटेट में चलते हैं, रोटेट चेक पीस में तो जस्ट वो भी रोटेटिंग ही होती है, देख सकते हैं। उसके बाद उसके साइड चेंज करने के लिए यूज करते हैं, जूम के लिए जूम पर क्लिक करते हैं, कम करनी हो तो माइनस पे भी क्लिक करते हैं तो माइनस वाली जो होती है वो जूम करती है, जितना जूम करते जाएगा वो जूम होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। और स्क्रॉल को यूज करके भी हम इमेज को जूम कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे, देख सकते हैं जो इमेज प्रोसेसिंग है, उसमें इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, इससे हम लोग यूज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि इमेज में कितने कंट्रास्ट चाहिए, कितने पे क्लियर आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के बॉक्सेस खुलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिस कंट्रास्ट नोजिया एक्सटेंट, इस तरह से जितने भी इसकी प्रोग्रामिंग एडिट करने के लिए जो दिए हैं वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं इसमें लिस्ट में खुलते हैं, हर टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके लिए यूज किया जाता है। एज एन के फैब्रिक के हैं, E25 है, RP किट है, KT है या लिनियर है, इस तरह के तो वो पार्ट के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे कि चेस्ट हो, चेस्ट रीजन में सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा करके देखते हैं तो उसके लिए हम लोग NK5 भी यूज कर लेते हैं। उसी तरह से अगर बोन के लिए यूज करनी है तो हम लोग RP किट यूज कर लेते हैं, और ऊपर जितने भी एडिट करने के हैं वो अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्ट विंडो लेवल, एडजस्ट विंडो लेवल है, यहाँ पे एडजस्ट विंडो लेवल पर क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे इस तरह से कुछ सिंबल आएंगे कर्सर की, उसको यूज करेंगे तो उसके अनुसार इमेज की लाइटिंग चेंज होगी, यानी कि जिस तरह से यूज करना चाहें उस तरह से इमेज ले सकते हैं, इमेज को जिस तरह से कंट्रास्ट देना है, एडिट करना है तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से आपको जिस तरह से एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं। जब हमारा ये तो आप यहाँ देखें, अब इधर लेफ्ट में प्रिंट का ऑप्शन देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रोटेटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, जो इमेज लिए उसकी में होना चाहिए, जो लैंडस्केप हॉरिजेंटल रखना चाहते हैं वर्टिकल रखना चाहते हैं उसके हिसाब से हॉरिजेंटल में कीजिएगा तो उसकी जो इमेज आएगी इस तरह से आएगी, वर्टिकल में करेंगे तो इमेज इस तरह से उसकी बॉक्सेस होगी, तो ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह के बॉक्सेस खुलेंगे जिसमें होता है कि एक साथ बहुत सारी इमेज ले लेते हैं तो उसको यूज कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक से साथ ज़्यादा इमेज ले लेते हैं तो हमें उससे किस तरह से
प्रिंट देना है उसके अनुसार करते हैं, जैसे कि एक साथ दो देने हैं तो दो पे क्लिक कर लेंगे, एक साथ दो वर्टिकल देने। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जिस तरह के साइज को हम लोग इमेज जितने भी लेने होंगे उसके हिसाब से आप यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं साइजिंग, फिल्म साइजिंग ऑप्शन दे रहे हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर जो प्रिंटर है उस किस साइज में इमेज को देने हैं उसके अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पे 18:10 है, 10:12 है, 11:14 एंड 14:17, जिसके हिसाब से आपको इमेज देनी है उस तरह से इमेज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं सेवेज न्यू, अगर एक ही इमेज जो है सेम ही उसको और भी करना है इमेज तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका यूज बेसिकली करते हैं कि कितने इमेज हमने फिल्म दिया उसको जानकारी रखने के लिए हम यहाँ पे सेवेज कर करके उसको जितने भी फॉर्म में लेना हो इमेज तो ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट शीट का ऑप्शन देता है, प्रिंट शीट पर प्रिंट क्लिक कर देंगे तो आपको वो प्रिंट हो जाएगी। और ये सारे चीज़ प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पे क्लोज एंड सेंड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोग्राम जो भी काम किए वो प्रिंट होने के बाद बंद हो जाती है। उसके बाद अपना जो भी लिस्ट में उसका होगा वो लिस्ट में आ जाते हैं। ओके डेट्स क्लियर। तो आज आपने सीखा कि इमेज कैसे विजुअलाइज करते हैं या एडिटिंग करते हैं। ओके तो इसी तरह से वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। ओके विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अलविदा।